जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सोमवार को उन देशों में शामिल हो गए जिन्होंने डोज लेने वालों में से कुछ में खतरनाक ब्लड क्लॉट्स की रिपोर्ट पर एस्ट्राजेनेका के कोविड 19 वैक्सीन के उपयोग को सस्पेंड कर दिया। हालांकि कंपनी और यूरोपीय नियामकों का कहना है कि डोज पर दोष लगाने के कोई सबूत नहीं है। एस्ट्राजेनेका यूरोपीय महाद्वीप में उन 3 वैक्सीन में शामिल है जिसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कई देशों की ओर से इस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने की वजह से यूरोपीय संघ के टीकाकरण अभियान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पहले से ही इसकी कमी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये टीकाकरण अभियान में ब्रिटेन और अमेरिका से काफी पीछे है। यूरोपीय संघ की दवा नियामक एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर विशेषज्ञों के निष्कर्षों की समीक्षा करने और ये तय करने के लिए गुरुवार को एक बैठक बुलाई कि क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के बीच यूरोप के अधिकांश स्कूलों और बिजनेस को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एस्ट्राजेनेका शॉट्स को निलंबित करने का निर्णय देश के वैक्सीन नियामक पॉल एहलरलिच इंस्टीट्यूट की सलाह पर लिया गया था। ये फैसला वैक्सीन लेने वाले लोगों में से 7 लोगों के दिमाग में ब्लड क्लॉट्स होने के बाद लिया गया था। जेंस स्पेन ने कहा कि आज का निर्णय पूरी तरह से एहतियाती उपाय है। अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने वाले अन्य देशों में आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो और बुल्गेरिया भी शामिल है, जबकि ब्रिटेन और कनाडा एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का समर्थन कर रहे हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।